हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं इतिश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर्स सीरीज के आज के वीडियो में यानी 12 जून 2024 को हम चर्चा करने वाले हैं द हिंदू बिजनेस लाइन पे आए हुए एक एडिटोरियल के बारे में, जो कि बात करता है भारत की एफटी रणनीति के बारे में, कि इसमें सजेशंस वो दे रहा है कि हमारी जो एफटी रणनीतियां हैं उसको हमको सुधार करना है, कुछ हमको इसमें क्या करनी है, स्ट्रेटेजी उसको थोड़ा सा बदलना है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूअर्स इस चैनल पर आए, मैं उनको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी, यदि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, संघ लोक सेवा आयोग या फिर स्टेट पीएससी जो होती हैं, उनके जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट जो उपलब्ध करवाया जाता है क्लासेस के फॉर्मेट में। लाइव क्लासेस 8 बजे से 10 बजे तक चलती हैं। उसमें संबंध में वर्तमान में पॉलिटी की जो क्लास है वो संतोष सर द्वारा पढ़ाई जा रही है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लाइव, तो आप उसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, एथिक्स हुआ या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी हुआ, इन सभी की जो वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं, टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट वाले जो सेक्शन है उसमें जाकर ये पूरा जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और करंट अफेयर सीरीज के हम क्या करते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको भी चर्चा करते हैं, तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप पहले के टॉपिक्स नहीं देख पाए तो करंट अफेयर्स की भी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पहले के टॉपिक जो उनको भी देख सकते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। जो टॉपिक हमारे चर्चा में आया है, हम इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जीएस पेपर 3 या फिर पेपर 4 की बात करें तो उसमें हमारी जो पोर्शन होता है इकोनॉमी वाला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, उसमें फर्स्ट यूनिट हमारी कहती है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मुख्यतः हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्रोथ है ना, विकास, डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ समृद्धि, विकास और रोजगार यानी ग्रोथ डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में एफटीए जो होंगे वो इंपॉर्टेंस लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे आगे हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। सेकेंडली हम देखें तो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी पे जो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो एफटीए एक उदारीकरण का ही अपन जो है उदाहरण मान के चल सकते हैं। उदारीकरण क्या होता है, उदार होना यानी जो हमारे व्यापार होते हैं उसमें उदार दिखाना, उदारीकरण होता है, यानी एक देश दूसरे देश से व्यापार अच्छी तरह से कर पाए, ये एक उदारीकरण का उदाहरण हो सकता है। उसी उदारीकरण का हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो एफटीए के हमारे ऊपर जो इंपैक्ट है वो दिखाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे इंपैक्ट होंगे, प्रोज और कॉन्स उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस यूनिट के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जीएस पेपर 2 में हमारे लिए कहाँ से इंपॉर्टेंट होगा। तो जीएस पेपर 2 में आप इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पोर्शन देखते हैं उसमें एक यूनिट आती है 19th वाली जो कहती है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, यानी कहने का अर्थ ये जो विकसित या विकासशील जो देश हैं उनकी राजनीति और उनकी जो नीतियाँ हैं उनका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, भारत के हितों के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। तो हम देखें जैसे कि हम जब एफटीए के नुकसान पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो एफटीए हम जिन देशों के साथ साइन कर रहे हैं उसमें जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स लेकर आते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं आगे चर्चा करेंगे। अब इन नॉन टैरिफ बैरियर्स के कारण हमारी इकोनॉमी जो होती है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, भारत के जो हित होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए भी हमारी इस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एफटीए होते क्या है, जो जिसके बारे में मुख्यतः बात हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये होते क्या है। मैंने आपको समान शब्दों में अगर बता दूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या चीज़ें, मुख्यतः कुछ नहीं है। जो एडिटोरियल राइटर है वो क्या कर रहा है, जो हमारी नई गवर्नमेंट बनी उसको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आप एफटीए जो है उसको क्या करो, सुधार करो, हमारी जो नीतियाँ हैं, नेगेटिव पॉइंट जो चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उनसे पार आने के लिए, उनसे बाहर आने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए सजेशन जो है ये एडिटोरियल राइटर दे रहा है। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2-3 सालों में हमने किन किन के साथ जो एफटीए करें, अगर हम देखें मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इनके साथ हमने क्या करा है हाल ही में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो करे हैं, और साथ ही साथ जो यूके है इसके साथ भी बातचीत चल रही है, यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए। तो अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं, पूरा कंटेंट इंग्लिश में भी यहाँ पे उपलब्ध है और हिंदी में भी यहाँ नेक्स्ट साइड में दिया हुआ है। यदि हम इसको समान शब्द में समझें, आप पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, मैं आसानी से आपको बता दूं कि एफटीए क्या होता है। एफटीए क्या होता है, जैसे आप देखिए इसको समझने के लिए बैकग्राउंड, कि हम व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो मान के चलिए ए देश है और ये बी देश है,
ठीक है, जब ए देश की वस्तु बी देश में जाती है, मतलब इस कंट्री की वस्तु इस कंट्री में जाती है, तो क्या देखने को मिलता है, इस वस्तु पे जो बी देश है वो क्या लगा देता है, टैक्स लगा देता है ना। स्वाभाविक की बात है, अगर भारत की वस्तु अगर हम अमेरिका भेजेंगे तो उस वस्तु पे क्या करेगा, अमेरिका कुछ टैक्स लगा देगा। वही चीज़ हम भी करते हैं कि बाहर से कोई वस्तु यहाँ पर आती तो हम उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। अब टैक्स लगाने के कारण क्या होता है, ये वस्तु महंगी हो जाती है, और महंगी होने के कारण इस देश की वस्तु जो इस देश में गई है वो इस देश में बिक नहीं पाती, यहाँ के जो लोग उसको नहीं खरीदते, महंगी वस्तु कौन खरीदेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा ट्रेड है वो क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, हमारे ट्रेड के प्रभाव पड़ता है, व्यापार पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसी चीज को क्या होता है, ये जब देश इस देश में बेचता है, जब भी स्थिति बनती है, अब ये देश भी उसके ऊपर क्या लगा देता है, टैक्स लगा देता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम FTA को लेकर आते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर आते हैं, जिसमें ये ए देश और बी देश अपने आप में एक समझौता कर लेते हैं कि जब हमारी वस्तु आपके देश में आएगी तो आप या तो उसके ऊपर जो टैरिफ है, टैरिफ मतलब वही जो टैक्स है ना, उसको टैरिफ कहा जाता है, सीमा शुल्क उसे कहते हैं टैरिफ को, है ना। तो जो सीमा शुल्क है आप या तो उसको लगाइए मत या फिर कम लगाइए, ये एग्रीमेंट कर लेता है ए बी के साथ और बी ए के साथ। इसके कारण क्या होता है, जो व्यापार है वो मुफ्त तौर पर ए से बी और बी से ए चल पाता है, आयात निर्यात जो है वो मुख्यतः अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। ये होता है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, पूरी इसकी वो लिखी हुई है। अब देखते हैं कि FTA के लाभ क्या क्या होते हैं। इस एडिटोरियल में कुछ लाभ बताए थे लेकिन डिटेल में ज़्यादा नहीं थे। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आया था इसमें पूछा जाए कि बताइए मुफ्त व्यापार समझौता जो है उससे भारत में क्या क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उन पॉइंट्स को आप देख के बता सकते हैं। पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है, बाजार तक पहुँच में वृद्धि। अब सीधी सी बात है, आप यदि एक बाजार था उस बाजार से दूसरे बाजार में मुफ्त व्यापार अच्छी तरीके से हो पा रहा है तो बाजार के जो पहुंच है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ए देश जो उसके बी देश के बाजार में ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाएगा तो हमारे जो भारत है उसमें भी बाजार जो है उसकी वृद्धि हो जाएगी, वहां तक पहुंच की वृद्धि देखने को मिलेगी। सेकेंडली हम देखें तो आर्थिक विकास, आर्थिक विकास होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो आर्थिक विकास देखने को मिलेगा ही सही हमें। विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अब देखो क्या होता है, यदि ए देश और बी देश आपस में क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उसके माध्यम से जो कंपनीज होती हैं यानी ए देश की हो चाहे बी देश की हो, वो ये अश्योर हो जाती हैं कि अगर हम इस देश में निवेश करेंगे तो हमें जोखिम नहीं है और साथ ही साथ कुछ फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जो कंपनियाँ हैं जो इसमें जाकर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं, इसलिए विदेशी निवेश को आकर्षित भी करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आगे देखें, इसी का इंग्लिश में आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें तो निर्यात जो बाजार है उसकी विविधीकरण कर देता है, यानी हमें अब जो बाजार हम पहले जिन बाजारों में हमारी वस्तुएं भेजते थे अब उसकी जगह दूसरे बाजार जो है उधर भी भेज पाएंगे, तो इससे क्या होगा, विविधीकरण देखने को मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, यानी हमें जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ी हुई दिखेगी। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ेगी, जैसे मान के चलो पहले ए देश था, है ना, ए देश के अंदर बी देश की वस्तु आने के लिए टैरिफ या सीमा शुल्क देना पड़ता था, तो बी देश ए देश में अपनी जो वस्तु है वो बेचता ही नहीं था कि इतना टैक्स देकर वस्तुएं बिकेंगी नहीं, तो बेचने से क्या मतलब, भेजने से क्या मतलब। अब इसके कारण जो ए देश की कंपनियां थी, ठीक है, वो ए देश की कंपनियां क्या करती थी, खुद के सामानों में प्राइस जो थे उसको हाई रखती थी, क्योंकि अब हमारी वस्तु है भाई, दूसरे देश की वस्तु यहाँ पर है ही नहीं, आपको खरीदना है तो हम ही से खरीद लीजिए। तो यहाँ के जो डोमेस्टिक जो बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स थे, यानी जो घरेलू उत्पादक थे, वो इसके प्राइस राइस को बनाए रखते थे, साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट नहीं करते थे। अब जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इस देश की वस्तुएं इस देश में आसानी से आने लग गई, तो अब क्या हुआ, इस देश के लोग, इस देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपनी क्वालिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा और प्राइस को भी कम करना पड़ेगा, जिसके कारण वो ये जो दूसरे देश की जो वस्तुएं हैं उनके साथ क्या कर पाएं, जो कॉम्पिटिशन है वो बना के रख पाएं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव बढ़ेगी ना, इससे बढ़ने से पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल तक पहुंच। अब सीधी सी बात है, हम दूसरे देश से व्यापार कर पाएंगे तो क्या होगा, उनकी प्रौद्योगिकी होगी वो भी हमारे पास आ पाएगी, और हमारा जो कौशल होगा वो भी, स्किल जो होगी वो भी एक दूसरे देश तक जा पाएगी। या सेवा, आप केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को केवल वस्तुओं के हिसाब से मत देखिएगा ना, सेवाएं जो होती हैं, सर्विसेज जो होती हैं, उसके लिए भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगाया जाता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। ये इंग्लिश में इसी का कंटेंट था। आगे देखते हैं रोजगार सृजन। रोजगार सृजन कैसे होगा, रोजगार सृजन ऐसे होगा कि इसमें लिखा हुआ है, व्यापार और निवेश में वृद्धि से जो है उद्योगों और संबंधित क्षेत्रों में नई नौकरियों का सृजन हो सकता है, जिससे रोजगार वृद्धि में योगदान मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर आप क्या बोलते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई बढ़ाओगे तो बनाने के लिए या आपूर्ति पूरी करने के लिए लोग तो लगेंगे ना, जो चीज़ों को उत्पादन करेंगे, तो सीधी सी बात है जो हमारे रोजगार है वो भी उत्सर्जित होगा, रोजगार है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता का लाभ, यानी उपभोक्ता का क्या लाभ होगा भाई, पहले ए देश था उसी का, जैसे मान के चलो भारत है ना, भारत में पहले नोकिया का मोबाइल है
है ना, सैमसंग का मोबाइल ही बिक रहा है। सैमसंग का तो हालांकि बाहर का है, तो मान के चलो नोकिया ही मान के चलो अभी के लिए ना, कि नोकिया जो मोबाइल है वो अपने यहाँ पे बेच रहा है। अब पहले सैमसंग, आईफोन है ना, ये सारे फोन यहाँ पे थे नहीं। नोकिया कैसी भी क्वालिटी के मोबाइल दे के दे रहा था कि इसको चलाने तो चलाओ, है ना। लावा का एक स्मार्टफोन ले आया जिसमें बिल्कुल हैंग मारता था, वैसा फोन लेके आ गया, ठीक है। और कीपैड लेकर आया, चाहिए तो ले लो भाई, क्वालिटी ऐसी है। अब दूसरे देश जो थे अपनी वस्तुओं को यहाँ नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था नहीं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, सो सैमसंग जो है, आईफोन जो है, ये सब हमारे देश में भी आ गए। अब नोकिया के पास भाई क्या है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। पहली चीज़ तो इसको क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ इसको इसकी जो प्राइस है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि दूसरे देश से क्या करें, वो वस्तुओं को खरीदें। तो इससे जो उपभोक्ता होंगे उसको क्या होगा, मुख्यतः लाभ ही तो देखने को मिलेगा ना, सस्ती चीजें मिलेंगी, उनको गुणवत्ता जो है वो भी बड़ी हुई दिखेगी, इसलिए उपभोक्ता के लिए भी लाभकारी होगा। नेक्स्ट देखें, रणनीतिक समझौतों को मजबूती करना। अब जब आपने देखा होगा, अगर हम एक IR जब पढ़ते हैं, एक डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं, एक सिद्धांत पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं अपरोध का सिद्धांत, है ना, या फिर बोलते हैं जिसे कहा जाता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस, है ना, अपरोध का तर्क कहा जाता है, ठीक है। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश का मान लेता है कि हम दोनों के पास क्या समान शक्ति है, कोई भी शक्ति हो सकती है, समान शक्ति है। यदि ए देश दूसरे देश से लड़ता है तो दोनों एक दूसरे को समान नुकसान पहुंचाएंगे, ए जितना नुकसान बी को पहुंचाएगा, बी भी उतना ही नुकसान ए को पहुंचाएगा, तो ये आपस में लड़ते ही नहीं है, है ना। ये तो एक कारण होता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस से युद्ध खत्म होना। एक और लॉजिक होता है जब दो देश आपस में नहीं लड़ते, वो होता है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, यानी मान के चलो ए देश बी देश के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। यदि ए देश बी देश में लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, उसके जो व्यापार होगा वो भी क्या होगा, बाधित हो जाएगा। तो यदि एक देश दूसरे देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो उससे क्या होता है, जो भू राजनीतिक अस्थिरता होती है उसको भी स्थिरता के रूप में देखने को मिल सकती है, स्थिरता वहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है, और जो दूसरे देशों के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होती है वो भी डेवलप देखने को मिलती है, डेवलपमेंट उसमें होता है, ठीक है। इसी का इंग्लिश कंटेंट यहाँ पे आगे देखें तो लास्ट पॉइंट आता है मानकों में सुधार। सीधी सी बात है, आपके स्टैंडर्ड्स सुधरेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को सुधारोगे कि किस स्टैंडर्ड का हमें गुड्स या सर्विसेज चाहिए, सीधी सी बात है। अब क्या बताया जा रहा है कि इससे हमारा क्या होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या फिर बोले सतत विकास जो है उसका देखने को मिलेगा, सतत आर्थिक विकास हमें देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, इन सभी लाभों के कारण, FTA के इन लाभों के कारण। अब लाभ लाभ देख लिए भाई, चुनौतियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं ना, कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या हमारे लिए इसके लिए दिक्कत देखने को मिल रही है, मुख्यतः टॉपिक तो इसलिए लिखा गया है। तो इसमें अगर हम देखें क्या क्या चुनौतियां हैं, तो पहली बात है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि कॉम्पिटिशन में वृद्धि होने से तो फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ के जो घरेलू उद्योग है, यानी जो हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जब चीज़ों को उत्पादन करती हैं, जैसे मान के चलो यहाँ की, हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्री उत्पादन कर रही है किसी सेल फोन का, किसी मोबाइल फोन का, और मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है, सबसे ज़्यादा एक रॉ मटेरियल के इस्तेमाल के लिए चर्चा चलती है, अभी बहुत करंट अफेयर्स में चल रहा था, सेमीकंडक्टर चिप, है ना, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में बात करती है। अब वो सेमीकंडक्टर चिप तो हमारे भारत के पास खुद की है नहीं, रॉ मटेरियल के तौर पर भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके पास खुद के पास तो वो है नहीं। अब जो बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पास ये जो है वो भरपूर मात्रा में। अब जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ये कंपनी जो है अच्छी लागत वाले और अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स को बनाएंगी, तो हमारे यहाँ की जो कंपनी है, हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको देखने को मिलेगी रिसोर्स की जो है इनएफिशिएंसी या फिर देखें कि अकुशलता देखने को मिलेगी, हमारे यहाँ रिसोर्स हम उनको कम मिलेंगे, इसके कारण उनको जो प्रतिस्पर्धा है वो उसमें जो है कॉम्पिटिशन में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इनके साथ टेक ओवर नहीं कर पाएंगे और ये हार जाएंगे, और हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो, जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है वो नीचे चली जाएगी। ये नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है हमारी प्रतिस्पर्धा का, जो नेगेटिव जो कंपटीशन होता है उसका। सेकंडली देखें तो क्या होता है, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं इनके ऊपर भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो SME है, MSME की बात नहीं हो रही, SME की बात हो रही, स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है उनके बारे में बात हो रही है। इनको क्या देखने को मिलता है कि इनके पास तो पहली बात तो रिसोर्सेज की कंप्लीशन नहीं होती है, दूसरा क्या होता है कि इनके यहाँ की जो बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती हैं, इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनके पास रिसोर्सेज होता है, और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है इनके पास ये दोनों चीज़ नहीं होती, इसके कारण इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, इनको व्यापार में क्या घाटा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट नुकसान देखें तो क्या होता है, राजस्व की हानि होती है भाई। राजस्व की हानि कैसे होती है, जैसे मान के चलो कि टैरिफ में कमी या उन्नयन में सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण हानि हो सकती है, जो आय के स्रोतों के रूप में इन शुल्कों पर निर्भर करती है। जैसे मान के चलो हमने क्या करा, ए देश था, हम भारत थे, ठीक है, भारत ने बी देश से आयात करने हुई चीज़ों के ऊपर टैरिफ को ख़त्म कर दिया।
अब पहले भारत को एक वस्तु जब अमेरिका से भारत आती थी उस पर 100 रुपये टैरिफ मिलता था, अब वो 0 मिलेगा, तो राजस्व में घाटा होगा कि नहीं होगा? वो तो बात की बात है कि हम कोई वस्तु को भेजेंगे और वो होगा कि नहीं होगा, उसमें देखेंगे आगे भी कि उसका भी नुकसान देखने को मिलता है। तो मान के चलो ये जो 100 रुपये मिल रहे थे, अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा तो ये तो मिलना 0 हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राजस्व घाटा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो देखने को मिलेगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, व्यापार घाटा। व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट, यानी आपका इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से। अगर अभी मुख्यतः देखने को यही मिलता है कि जिन देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है ना, वो देश हमारे यहाँ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से भेज देते हैं। क्यों? उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनका जो उत्पादन का जो क्षेत्र है, वो उत्पादन क्षेत्र हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारा सेवा क्षेत्र जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हम दूसरे देशों में जो वस्तुएं उतनी ज़्यादा नहीं बेच पाते, जो दूसरे देश की वस्तुएं जो हैं वो हमारे देश में आ जाती हैं। इसके कारण हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा देखने को मिलता है। व्यापार घाटा क्या होता है, हमारा जो इम्पोर्ट है, हमारा जो आयात है, वो हमारे निर्यात से ज़्यादा हो जाए, दूसरे देश से हम ज़्यादा चीज़ें बुला लें उधर भेजें ना, तो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें वो क्या है, गैर टैरिफ बाधाएं। अब मेन जो चैलेंज है वो देखने को मिलता है गैर टैरिफ बाधाएं जो उत्पन्न होती हैं। अब दो जो देश होते हैं क्या करते हैं, जैसे आप मान के चलो आपने ए देश ने, भारत ने अमेरिका के साथ क्या कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहले यूरोपियन यूनियन को क्या मिलता था, राजस्व मिलता था भारत की वस्तुएं जब यहाँ आती थी, अब उसको नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करता है जो यूरोपियन यूनियन है, अभी वर्तमान में जो कर रहा है मैं वही बताता हूँ, एक टैक्स लगा देता है, वो बोलते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब यूरोपियन यूनियन भारत से ये कहता है कि आपके यहाँ की अगर कोई भी वस्तु है, उसमें एक सीमित मात्रा से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होगा, तो उसके ऊपर हम लगाएंगे बॉर्डर का टैक्स। यदि आपका कार्बन से बना हुआ जो वस्तु है, कार्बन इमिशन अगर आपकी वस्तु में हुआ है, उसका अगर आप हमारी सीमा में भेजोगे, तो उसके ऊपर एक कर लगेगा, बॉर्डर टैक्स लगेगा, CBT लगाएगा। बोलेगा ये कि ये सीमा शुल्क थोड़ी ना है, ये तो हमारा कार्बन बॉर्डर टैक्स है साहब, हम क्यों लेके आ रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये जो नॉन टैरिफ बाधाएं जो होती है वो देखने को मिल जाती हैं, वृद्धि हो जाती है इनकी, तक क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो टैरिफ बाधाओं को कम कर देता है, इस कारण से ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो स्थानीय उद्योग है उनको क्षरण होता है, सीधी सी बात है, जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनका तो नुकसान होगा अगर दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर अपना जो कदम है वो बढ़ा लेंगी, आगे इधर बढ़ आएंगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मेन जो है ना गैर जो व्यापारिक मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं। जैसे मान के चलो एक तो उदाहरण मैंने आपको बता दिया CBT वाला जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उसका। दूसरी चीज़ क्या करते हैं दूसरे देश, कुछ और बात बता, जैसे जैसे बोलते हैं कि पर्यावरण, जैसे मैंने आपको बताया था CBT वाला है ना कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब यूरोपियन यूनियन क्या तर्क देता है भाई कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमने इतने सारे सम्मेलन कर रखे हैं, इतने सारे वो रख रखे हैं, इसलिए हम CBT ला रहे हैं ताकि जो कार्बन का इमिशन है कम कर पाए, है ना, कार्बन का इमिशन कम होगा, प्रकृति बचेगी, ये उद्योग वो देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जो देश विकासशील है, यानी विकासशील मतलब अभी डेवलप हुए नहीं है, डेवलप होने के लिए लगे हुए हैं, जैसे कि भारत, वो भी एक विकासशील देश है, उनको दिक्कत ये देखने को मिलती है कि जो विकसित देश हैं उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी है कि वो कार्बन के कम उत्सर्जन के बावजूद अच्छे गुड्स को बना पाते हैं, अच्छी जो उत्पादन जो होता है वस्तुओं को कर पाते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं उनके पास वो प्रौद्योगिकी है नहीं। अब उन प्रौद्योगिकी ना होने के कारण हम वो जो डेवलप है वो रिसोर्सेज उनका कर नहीं पाते, वो करना भी होता है तो हमको ज़्यादा पैसे को करना पड़ता है, इसके कारण देखने को मिलता है हमारे यहाँ स्थिति जो है वो बिगड़ की स्थिति में आ जाती है। तो ये क्या करते हैं पर्यावरण से संबंध में जो नॉन टेरिफ जो एरिया से वो लगाते हैं। दूसरा श्रमिक, कहते हैं कि जो श्रम है वो इतने समय तक ही काम करवाओगे अपने आगे श्रमिक, बहुत सारे जो रेगुलेशंस होते हैं करंट में पढ़ते रहते, चर्चा में आता रहता है कि यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि आपके श्रमिक जो होंगे वो 8 घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आपको उससे क्या लेना देना, हमारी वस्तु हम उत्पादित करके दे रहे हैं आप ले लीजिए, सीधी सी बात है। लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब, आप है ना मजदूरों के भी तो राइट का ध्यान रखो, ह्यूमन राइट का भी ध्यान रखो, तो मजदूरों को इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाओगे, तो इनके बारे में उनको आप ये सुविधा दोगे, वो भी सीधी सी बात है, वो पैसे एटर्न से आता है और कुछ नहीं, और वस्तुओं का आयात जो है वो कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लिंक, पॉजिटिव भी होता है हर चीज़ का, नेगेटिव भी होता है, हमको दोनों तरह से इस्तेमाल करना है। अभी हम कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं नेगेटिव, तो उसको नेगेटिवली ले रहे हैं। यदि इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बताएंगे, बताओ साहब यूरोपियन यूनियन ने कितना अच्छा करा कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा के, ऐसा बता देंगे हम उसमें, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में अपने को बस खेलना है ऑप्शन से, हमारे पास कंटेंट आ जाए बस उसको खेलना है हमें, कि आप जहाँ पे पॉजिटिव की इम्पैक्ट हो पॉजिटिव बता दो, नेगेटिव का बहुत नेगेटिव बता दो। दूसरा बात करता है वो जेंडर के बारे में, कि जेंडर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बोल देता है कि आपकी अगर कार्य श्रमिक है जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हो उसमें आपको इतने परसेंट जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जब भी हम आपकी वस्तु को खरीदेंगे, तो ये कर देता है। डिजिटल व्यापार, यानी डिजिटल व्यापार में भी कुछ लगा देता है, डेटा सुरक्षा अच्छी तरीके से होनी चाहिए, इन प्रकार के क्या कर देता है वो गैर व्यापारिक मुद्दे जो है वो उभर के आ जाते हैं, ये जो टैरिफ जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, और भी नई चीज़ आपको देखने को मिलेंगी जब आप PDF को पढ़ लेंगे। ठीक है,
आगे देखें कि क्या क्या सजेशंस ये जो हमारा एडिटोरियल राइटर है वो दे रहा है। वो ये सजेशन देता है भारत सरकार को कि हमारी जो FTA की शर्तें हैं, हम जो शर्तों पे बात करते हैं उसमें सावधानी पूर्वक हम क्या करें, उनसे चर्चा करें जो दूसरे देशों से हम करते हैं, उसमें हम बात करें कि ये सुनिश्चित करने के लिए, मतलब ये करें कि हमारी जो रणनीतिक और मापा दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे FTA भारत की विकास लक्ष्यों को समर्थन करे और बिना अनुचित बाधाएं लगाएं। मतलब ये कहने का मतलब है कि हम दूसरे देशों से जब भी FTA साइन करें तो इन चीज़ों पर तो कम से कम बात कर लें कि हमारी अर्थव्यवस्था पे जो ये मुद्दे होते हैं, जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो आप हमारे ऊपर इम्पोज ना करें, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर से वो हमारे ऊपर इम्पोज ना करें। थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, बार्गेन करना पड़ेगा इन मामलों के ऊपर। ये बात करता है क्या जो एडिटोरियल राइटर है। आशा करता हूँ जो एडिटोरियल हमने पढ़ा था आपको समझ में आया होगा। मुख्यतः हमने डायमेंशन कवर करे कि FTA होता क्या है, FTA के क्या क्या पॉजिटिवनेस है, क्या क्या नेगेटिविटी है, मतलब क्या क्या पॉजिटिव हमको इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वो जो मुद्दे हैं उसका हमने एक सॉल्यूशन देखा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई, कि एक हम बात करें, बात करके नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं उनको कम किया जाए। ठीक है, ये चर्चा में इंपॉर्टेंट एक चीज जोड़ हो जाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपने आज से कुछ समय पहले सुना होगा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें किसानों ने एक मांग करी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है उससे बाहर आने की। तो उस समय एक मुद्दा उभर के आया था कि अगर हम WTO से बाहर आ जाते हैं तो हमारे जो FTA हैं वो तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, FTO का हम जो है वो लाभ उठा ही नहीं पाएंगे, इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आता है कि बताओ WTO से बाहर आने पे हमारे क्या नुकसान है, तो आप बताओगे FTA हम नहीं कर पाएंगे, और FTA हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आप बताओगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट जो हमने पूरे पॉइंट देखे ना, तो हम बताओगे आपकी ये पॉइंट्स के कारण FTA हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम WTO से बाहर आ जाएंगे तो ये मुफ्त व्यापार समझौते हम नहीं कर पाएंगे और हमें नुकसान देखने को मिल जाएंगे। तो इस डायमेंशन से भी आप इसको देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ये जो पूरा हमने चर्चा करी है इसका आपको PDF चाहिए तो आप आदर्श परिवार के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, सर्च करिएगा जाकर आदर्श परिवार इन मॉडर्न नालंदा, ये चैनल का लोगो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप लिंक कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको QR कोड दिख रहा है इस पर भी डायरेक्टली स्कैन करके आप चैनल तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस से संबंध में चर्चा करनी है कि ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चलती हैं और कैसे हम इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पर जाकर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और आज की जो चर्चा है उसके समापन करेंगे थॉट ऑफ द डे से परीक्षित भारती सर के कथन से, जो है शान से चलने के लिए नए रास्ते बनाने होते हैं, लेकिन क्या ये सबके लिए संभव है, और अगर हाँ तो अधिकतर लोग शान से क्यों नहीं चल सकते। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपको शान से चलना है तो अपना सही रास्ता बना के चलना पड़ेगा, अपना खुद का रास्ता बनाकर चलेगा। वो कहते हैं ना कि ना किसी से स्पर्धा ना किसी से होड़, अपनी ही मंजिल और अपनी ही दौड़। तो अपनी ही मंजिल हो और अपनी ही दौड़ हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे आप शान से उस पर ऊपर चल पाएं, लेकिन अधिकतर लोग इसको नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो शान से नहीं भी चलते हैं, प्राइड से नहीं चलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जो आज का एडिटोरियल होगा आपको समझ में आया होगा। इससे संबंध में अगर आपको कोई डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल उसमें मिल जाएगा, आराम से उसके जो कंटेंट है उसको आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी इसी प्रकार के एडिटोरियल के साथ बहुत जल्द।